एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने को लेकर बार एसोसिएशन के सचिव अजय अग्रवाल की अगुवाई में दर्जनों अधिवक्ताओं ने उपायुक्त से मिला। इस दौरान उनसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग किया। मौके पर सचिव अजय अग्रवाल ने बताया कि आए दिन अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। अधिवक्ता आज अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था करना राज्य सरकार व जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके बाद अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिला। कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम लोग मांग किए हैं, क्योंकि बराबर अधिवक्ताओं के ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है, हिंसात्मक घटना की जाती है और दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी दो दिन पहले हेमंत कुमार सिकरवार, जो कि झारखंड राज्य विधि परिषद के मेंबर भी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अब आए दिन घटना बराबर होते रहती है, इसीलिए हम लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और उसके विरोध में हम लोग आज कोर्ट बंद किए हुए हैं, न्यायालय बंद किए हुए हैं, सारे कामकाज ठप है। हम लोग कलमबंद हड़ताल किए हुए हैं और अब आगे तक ये हड़ताल है, ये हड़ताल आज का पूरे झारखंड में हड़ताल है और हम लोग सरकार से जब तक मतलब कि एक दिवसीय हड़ताल है, जब तक हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा हम लोग हमेशा ऐसा मांग करते रहेंगे और जो दोषीवार है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।